अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपके लिए अपने चैनल पर एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ घर पर पानी मेकअप करने के आसान और बेहतरीन टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टी मेकअप का मतलब सिर्फ ब्यूटी पार्लर ही नहीं है, अगर सही जानकारी हो तो घर पर ही पार्टी मेकअप किया जा सकता है। यह तो आपको पता ही होगा कि व्यक्तित्व को निखारने में मेकअप का बड़ा अहम रोल होता है, और अगर आपका व्यक्तित्व निखरा होगा तो आप में आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अधिक होगा। इसलिए मेकअप को नज़रअंदाज करना सही नहीं होगा। पार्टी के लिए तैयार होते समय हर महिला की चाहत सबसे अलग और खूबसूरत दिखने की होती है। मेकअप उसी का एक चरण है। यह आपकी खूबसूरती को निखारने के साथ साथ आपके रूप को अधिक आकर्षक भी बनाता है। सही प्रकार से किया गया मेकअप आपके चेहरे को चुंबक की तरह बना देता है कि जिसकी नज़र एक बार गई फिर वह अपनी नज़र हटा ही नहीं पाएगा। लेकिन पार्टी में कैसा मेकअप किया जाए, इस बात को लेकर अक्सर दुविधा रहती है। एक बात तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि ज़्यादा मेकअप सुंदरता हासिल करने का तरीका सही नहीं है। सही प्रकार से और सही अनुपात में किया जाने वाला मेकअप ही आपके रूप को नया निखारने में मदद करता है। जहां तक बात घर पर खुद यानी स्वयं मेकअप करने की है, तो इसके लिए सबसे जरूरी है सही उत्पादों का चयन यानी प्रोडक्ट्स का। अच्छे और सही उत्पाद आपको मनमाफिक रूप हासिल करने में मदद करेंगे। तो आपको घर पर मेकअप करने के लिए किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसकी एक लिस्ट यहाँ आपको दिखाई दे रही है और मैं आपको बताता हूँ। क्लींजर, बेस या फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट आईलाइनर, मस्कारा, लिप कलर, लिपस्टिक, आईब्रो पेंसिल, ब्लश ऑन, इन चीज़ों की आपको घर पर सजने के लिए यानी खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ किस तरह से करना है। सबसे पहला है फेस मेकअप। अपने चेहरे को मेकअप के जरिए निखारने के लिए सबसे पहले क्लींजिंग से चेहरे को अच्छी तरह से साफ करें, फिर टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करें, इसके बाद कंसीलर लगाएं। कंसीलर से फेस के दाग धब्बों को छिपाने में मदद मिलती है। फिर फाउंडेशन लगाएं। ध्यान रहे कि फाउंडेशन स्किन कलर से मैच करता हुआ ही हो। शिमर लुक देने के लिए क्रीम ब्लशर लगाएं। इसके बाद फेस पाउडर लगाएं और एक नेचुरल बेस बनाएं। अगला है आंखों का मेकअप। रात की पार्टी के लिए आंखों पर डार्क मेकअप आकर्षक बनाता है। दिन के समय लाइट शेड्स वाले आई शेडो का प्रयोग करें। लगाने से पहले ऊपरी पलकों पर फाउंडेशन और लूज पाउडर बारी बारी से हल्के ब्रश से लगाएं। साथ ही आई पेंसिल से ऊपर की पलकों के ऊपर पतली रेखा खींचकर उसे ब्रश से फैला दें ताकि आईलिड बड़ी दिखे। यहाँ एक बात ध्यान रहे कि थकी आंखों पर यानी थकी हुई आंखों पर अधिक अथवा गहरा मेकअप भूल कर भी ना लगाएं। अगला है हेयर स्टाइल हो कुछ खास। मेकअप के अलावा आपको हेयर स्टाइल भी बहुत मायने रखता है। हेयर स्टाइल में भी आप कुछ नया ट्राई कर सकती हैं, जैसे लूज कलर्स और रोमांटिक अपडोज के साथ बालों को स्टाइलिश लुक देने का ट्रेंड। इसके साथ ही लाइट पोनीटेल लो या हाई फिर से फैशन में है। अगला है होंठों का मेकअप। होंठों को पतला दिखाने के लिए यानी जिसके होंठ मोटे हों या फिर जिसके पतले हों और पतला दिखाना हो, होंठों को पतला दिखाने के लिए लिपस्टिक के शेड से मैच करते लिप लाइनर का प्रयोग होंठों के अंदर की तरफ यानी इनर लाइन पर करें। ध्यान रखें इनर लाइन पर करना है, आउटर लाइन पर नहीं। डार्क शेड का प्रयोग बिल्कुल ना करें और लिप ग्लॉस का सिंगल कोट चढ़ाएं।
इसके विपरीत होठों को मोटा दिखाने के लिए लिप लाइनर को होठों के बाहरी किनारों पर लगाएं। लिपस्टिक का कोई भी रिच शेड लगाएं और लिप ग्लॉस की मदद से ऊपर व नीचे के होंठ के बीच के हिस्से को हाईलाइट करें। दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स घर पर पार्टी मेकअप करने के बेहतरीन टिप्स। अगर वीडियो पसंद आई हो जल्दी से लाइक करें और रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।